जब सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखने जाते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि ये रील आपको चलती हुई कैसे नजर आ रही है? सामने जो किरदार है ये चलते हुए और बात करते हुए कैसे नजर आ रहे हैं? आपको ये समझाने के लिए मैंने बनाया है एक बिल्कुल ही सिंपल सा सेटअप। देखिए, एक तरफ एक तोता और एक तरफ है पिंजरा, और इस समय तोता पिंजरे में नहीं है। पर अगर इन दोनों फोटोज को अगर आपकी आंखों के आगे से मैं बहुत तेज गति से गुजारूंगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि तोता शायद पिंजरे में ही है। चलिए आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ऐसा क्यों हुआ? जब तोता पिंजरे के अंदर था ही नहीं तो हमें ऐसा क्यों महसूस हुआ कि जैसे तोता पिंजरे के अंदर है? इस फिनोमिना को कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, जो कि ये कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंखों के रेटिना पर बनती है तो वो वहां पर सेकंड के 16वें हिस्से तक रहती है, और अगर इसी दौरान किसी और ऑब्जेक्ट की भी इमेज आंखों पर बन जाए तो हमें लगता है कि ये सारे किरदार मूव कर रहे हैं जबकि वो सारे के सारे ठहरे हुए होते हैं।